ना ये रसगुल्ला है और ना ये गुलाब जामुन है, ये है ओरिसा की फेमस मिठाई रसबली। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ 2 कप दूध का इस्तेमाल करके एकदम इंस्टेंटली बन जाए ऐसी ओडिशा की बहुत ही फेमस और टेस्टी मिठाई रसबली बनाएंगे। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बनाना शुरू करते है रसबली। कढ़ाई में हम पहले सब मिक्स कर लेंगे, बाद में गैस चालू करना है। अभी मैंने गैस नहीं चालू किया है। 2 कप दूध कढ़ाई में डाल देंगे। आपके घर में जो कोई भी दूध आता है, गाय का हो, भैंस का हो, या फुल क्रीम का या बिना क्रीम का, कोई भी दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे डेयरी व्हाइटनर लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून केसर, केसर डालना ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिल्क पाउडर का लम्स नहीं रहना चाहिए। मिल्क पाउडर अगर आपको नहीं डालना है तो आप थोड़ा सा दूध ज़्यादा लेके दूध को गाढ़ा होने तक उबाल के आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप दूध लिया है, तो आप 3 कप दूध ले लीजिए और 2 कप दूध रह जाए तब तक इसे उबाल के गाढ़ा करके ले सकते हैं। अभी गैस चालू कर देंगे, तेज आंच पे लगातार चला के एक उबाल आ जाए तब तक हम दूध को गर्म कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे केसर डाला है, आपको केसर नहीं डालना है तो ऑरेंज फूड कलर आप डाल सकते हैं। दूध में एक उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेते हैं और धीमी आंच पे दूध को गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे। मैंने यहाँ पे रेडीमेड डेयरी का पनीर लिया है। आपको अगर पनीर घर में बना के लेना है तो आप 1/2 लीटर दूध का पनीर बना के ले सकते हैं। रेडीमेड पनीर हम ले लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली बन जाएगा। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है, इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग का प्रसाद धराया जाता है, उसमें ये मिठाई भी रहती है। ये मिठाई का प्रसाद 56 भोग में धराया जाता है। 1 टीस्पून बारीक वाली सूजी, आपके पास अगर मोटी सूजी है तो आप इसे मिक्सर जार में क्रश करके डाल सकते हैं। 1 टीस्पून गेहूं का आटा डालेंगे, 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। पहले सब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हथेली से 3 से 4 मिनट के लिए मसल लेंगे और इसे एकदम स्मूथ बना लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मसल लिया है और एकदम स्मूथ बना लिया है। डो की तरह हमें इसे बना लेना है और पनीर हमें मलाई पनीर लेना है। आप देख सकते हैं मेरा हाथ भी चिकना हो गया है। इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। हमें इसकी पनीर की टिक्की जैसा शेप देना है। इतने पनीर में से हमने 7 बॉल बनाए हैं। इस तरह से टिक्की बना लेते हैं। पनीर की टिक्की मैंने बना के रेडी कर ली है। तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम हो गया है। पनीर का एक छोटा सा बॉल डाल के देख लेंगे कि ये तेल में ये छूट तो नहीं रहा है। और तेल हमें मीडियम गरम ही करना है। आप देख सकते हैं पनीर का बॉल जो है वो तेल में छूटा नहीं है। हमने जो सूजी और आटे का बाइंडिंग डाला है वो परफेक्ट है। अगर तेल में डालते ही बॉल छूट जाए तो थोड़ा सा बाइंडिंग आप डाल के मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। टिक्की डाल देंगे, गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे। एक साथ में बहुत ज़्यादा टिक्की नहीं डालनी है, 3 या 4 ही डालेंगे। पलट लेंगे, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए इसके बाद। इसे मैंने एकदम धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसे बहुत ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करना है, नहीं तो अब गर्म तेल में जैसे ही इसे डालेंगे वैसे ही ये एकदम लाल हो जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। निकाल लेते हैं, इसे हम टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। इस तरह से हम टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। दूध हमने धीमी आंच पे गाढ़ा करने के लिए रखा था, ये भी एकदम गाढ़ा हो गया है। दूध को मैंने बीच बीच में चला लिया था। 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। साइड में मलाई चिपकती है, इसे हमें इस तरह से निकाल लेना है और अच्छे से अंदर मिक्स कर देना है। पनीर की हमने टिक्की बनाई थी, ये गरम दूध में ही डाल देंगे और टिक्की भी हम गरम गरम ही डाल देंगे। ऊपर थोड़ा सा दूध डाल देंगे।
ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि टिक्की जो है वो अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर ले। मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखा था। अभी हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। इसे मैंने सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। इसके ऊपर हम चांदी का वरक लगाएंगे, बादाम की स्लाइस डालेंगे। चांदी का वरक लगाना ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। पिस्ता की स्लाइस। सिर्फ 15 मिनट में बना के सर्व कर सके ऐसी ओडिशा की फेमस मिठाई रेडी है। ये एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाए ऐसी बनती है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।